प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा। अब आएगा खाने में असली मजा, ट्राई कीजिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। अडानी हिंडनबर्ग पर घमासान की वजह से 3 दिन से जारी है संसद में हंगामा। सीएम योगी के त्रिपुरा दौरे का दूसरा दिन, आज भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार, कल भी किया था रोड शो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्र सरकार की टीम आएगी उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 21 वरिष्ठ मंत्री होंगे मौजूद, निवेशकों से करेंगे चर्चा। 2024 से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति, संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। बूथों को बीजेपी कर रही पुनर्गठित, बूथ स्तरीय समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू। जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रमुखों को बदलाव के निर्देश। समाजवादी पार्टी में कद बढ़ने के बाद अब विधानसभा में भी बढ़ेगा शिवपाल यादव का कद, फ्रंट सीट पर बिठाने पर बनी सहमति, 20 फरवरी से शुरू होगा सत्र। आदित्य यादव को सपा कार्यकारिणी में मिलेगी अहम जिम्मेदारी, प्रसपा से सपा में आए नेताओं को भी मिलेगी जिम्मेदारी, अखिलेश शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद फैसला। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने की मांग तेज, प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने पीएम, गृह मंत्री और सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, कहा 18वीं सदी में लक्ष्मणपुर का नाम बदलकर किया गया था लखनऊ। ग्यारह और 12 फरवरी को पूरा दिन बंद रहेगा ताजमहल, G20 के प्रतिनिधि करेंगे विजिट। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण कंवर, कहा कमल और गुलाब की खुशबू भवरा ही जानता है, नानी का किला नहीं। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद पर बोले मंत्री संजय निषाद, कहा धर्म के खिलाफ जो बोलता है वो अधर्मी है। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर बैठी जांच, सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दिए। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में नहीं था डॉक्टर, मरीजों का फार्मासिस्ट कर रहे थे इलाज। लखीमपुर खीरी में लापता बच्चों का अब तक सुराग नहीं, दोनों बच्चों की तलाश में ऑपरेशन जारी, बच्चों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। महराजगंज के कोठियाभार थाना क्षेत्र में एक घर में लगी आग, दो जिंदगियां खाक, गर्भवती महिला और बेटी की मौत, शक के घेरे में पति और ससुर।